भगवान प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव को सबने मिलकर मनाया। भगवान महाराज दशरथ के घर में आए और महाराज दशरथ जिन्होंने भगवान को पाने के लिए कठोर आराधना, कठोर तप, क्योंकि जीवन में जब ये तप आता है तो जीवन को बहुत कुछ देता है। फिर वो तप आपकी संसार में उन्नति का हो, व्यापार में उन्नति का हो, या फिर भगवान की प्राप्ति का तप है। जब जीवन में तप आता है तो तप इंसान को अपने आप ही बहुत कुछ देता है। श्री राम जय राम। क्योंकि तप वो क्रिया है प्यारे, जो आपके कर्मों को इतना सुंदर बना देती है कि जिसे हम कहते हैं ना मनोवांछित फल की प्राप्ति होना। जो तप करता है भगवान उसे मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। तो फिर ये तप कई तरह का है, तप एक तरह का नहीं है। मैं फिर कह दूं कि जीवन में यदि कोई बालक, यदि कोई बच्चा बहुत बड़ा अवसर बनने के लिए तप करता है तो भगवान उसकी वो मंगल कामना भी पूर्ण करते हैं, उसे मनोवांछित फल देते हैं। यदि कोई व्यापारी जो है अपने जीवन का ध्यान रखते हुए और विकारों से बचते हुए, दुनिया की बुराइयों से बचते हुए यदि व्यापार करते हुए उन्नति चाहता है तो भगवान उस पर भी दया करते हैं। और तीसरा कि जिस जीव को, जिस इंसान को भगवत प्राप्ति करनी होती है, जो चाहता है महाराज मुझे भगवान मिल जाए, जो चाहता है कि भगवत दर्शन मुझे हो जाए, जो चाहता है जीवन में प्रभु आ जाए, तो भगवान वो कृपा भी करते हैं। क्योंकि भगवान का एक नियम है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहम्, कि जो जैसे चाहता है मैं उसको वैसे ही मिलता हूं। इसको आसान शब्दों में कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तन तैसे। और तप वो क्रिया है, श्रीमद् भागवत का नियम है कि जपात सिद्धि ही, जपात सिद्धि ही, जपात सिद्धि ही न संशया, कि जपने से सब कुछ मिलता है इसमें संदेह नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसे इस तरह से समझाया कि राम नाम मणि दीप धर जीह देव रिद्वार, कि राम नाम का एक दीपक अपनी जुबान पर जलाओ, जैसे घर की दहलीज पर दीपक जलता है तो बाहर भी प्रकाश देता है, घर के अंदर भी प्रकाश देता है, वैसे ही भगवान के नाम का दीपक है जब इस घर की दहलीज पर जलता है, जिह्वा पर जलता है, तो ये बाहर की दुनिया को भी रोशन करता है और हमारे अंतर मन को भी रोशन करता है। श्री राम जय राम। तो कृपा निधान प्रभु, जो महाराज दशरथ के घर में आए हैं और महारानी कौशल्या और महाराज दशरथ ने कठोर तप साधना की और उस तप साधना का परिणाम ये हुआ कि आज भगवान के घर आए। तो जब प्रभु आए महाराज दशरथ के घर में तो माता कौशल्या की गोद में आए प्रभु, तो जब भगवान उनकी गोद में आए तो माता कौशल्या ने रूप देखा, क्योंकि रूप कैसा था, भगवान जैसे बैठे थे नारायण लोक में वैसे ही प्रकट हो गए। कई बार भक्तों की भक्ति में आकर भगवान भी अपनी सुध-बुध खो जाते हैं, कई बार भक्तों के प्रेम में आकर भगवान स्वयं का ध्यान भी नहीं रख पाते कि मैंने अपना ध्यान कैसे रखना है। तो भगवान नारायण माता कौशल्या के पास जैसे बैठे थे नारायण लोक में वैसे ही प्रकट हो गए। वैसे प्रकट होने का मतलब शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये सब कुछ लेकर प्रकट हो गए। और ये लेकर प्रकट होते तो चलो ठीक था, लेकिन भगवान चतुर्भुज हैं तो चतुर्भुज रूप ही लेकर प्रकट हो गए।
तो माता कौशल्या देखती है, तो मैया कौशल्या कहती है, महाराज कौन हो प्रभु? भगवान ने कहा, मैया मैं तुम्हारा पुत्र हूं। तो माँ ने कहा, महाराज पुत्र तुम्हारे जैसा नहीं होता, उसकी चार भुजाएं नहीं होती है महाराज, पुत्र की तो दो भुजाएं होती है, और पुत्र के सिर पर मुकुट नहीं होता है, और पुत्र के हाथ में चक्र नहीं होता है महाराज, शंख नहीं होता है। आप यदि पुत्र हैं तो पुत्र की तरह प्रकट होइए ना। और प्यारे भगवान श्री प्रकट होते हैं, क्योंकि कल ऐसा आनंद बरसा। मैं तो बाद में जाकर सोच रहा था, कुछ पता क्या सोच रहा था, जब मैं गया तो मैं सोच रहा हूँ मैंने ये बरसात क्यों हो गई कल। तो फिर मुझे लगा वे 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 वे। हम राधे राधे गाने लगे, बीच में मुरली वाला आ गया, तो मुझे लगा मुरली वाले को भ्रम हो गया कि शायद मेरा जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो मुरली वाले का जन्मोत्सव तो फिर बार प्यारे ऐसे ही होता है, तूफान आते हैं, आंधियां आती हैं, बरसात आती है। मुझे लगा वो आए थे तो शायद उनको भ्रम हो गया कि मेरा जन्मोत्सव चल रहा है, चलो थोड़ी बरसात भी करवा दूंगा। तो प्यारे गोस्वामी जी लिखते हैं वो भाव श्री रामचंद्र मानस का बड़ा सुंदर भाव। उभय प्रगट कृपाला दीने दयाला कौसल्या हित Yeah.
संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपा। भगवान नारायण प्रकट हो गए। मैया कौशल्या देखती है भगवान के रूप को, आंखों से अब माँ उसके रूप को निहार रही है जिसको पाने के लिए पिछले दो जन्म लगातार तप किया। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के रूप में जब माँ कौशल्या और महाराज दशरथ थे तो श्री रामचंद्र मानस कहता है कि इन्होंने 16,000 साल जीवन के आखिरी समय में भी सतयुग के थे स्वयंभू मनु और शत्रुपा। और जो सतयुग है प्यारे, सतयुग में संत कहते हैं इंसान की उम्र 1,00,000 वर्ष होती थी। सतयुग की आयु जो है वो 1,00,000 वर्ष की होती थी, जो बाकी बची जिंदगी थी बुढ़ापे की, क्योंकि इन्हीं के घर में आकुति प्रसूति और देवहूति ने जन्म लिया था, इन्हीं के घर में उत्तान पाद और प्रियव्रत आए, इन्हीं की आगे बेटियों की कुल में भगवान कपिल आए, पुत्रों की कुल में बालक ध्रुव पैदा। तो ये जब जीवन का आखिरी समय सतयुग का अंत आने वाला था तो उन घड़ियों में इन दोनों ने बैठकर भगवान का भजन किया। तो उस भजन का परिणाम ये निकला कि भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं मिलूंगा तो जरूर, लेकिन तीसरे जन्म में मिलूंगा, एक जन्म और भक्ति करनी पड़ेगी। तो इन्होंने कहा महाराज आप मिलो तो एक जन्म की क्या बात करते हो, 100 जन्म भी की जा सकती है वक्त पर। यदि आप मिलने का वादा करो। और प्यारे ये वही स्वयंभू मनु शत्रुपा अगले जन्म में कश्यप और अदिति बनते हैं। फिर तीसरा जन्म आया, तीसरे जन्म में महाराज दशरथ और कौशल्या बनकर प्रकट होते हैं। और इस जन्म में भी उन्होंने धर्म कर्म के काम किए, तप किया, आराधना की, भगवान को पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। श्री राम जय राम। देखो दुनिया मनाने के लिए तो दुनिया प्रयास करती है। अच्छा सच सच बताओ, दुनिया हर कोई दुनिया को मनाने में लगा हुआ है, क्या दुनिया 100% मान जाती है? फिर भी कुछ ना कुछ 1921 रह ही जाता है महाराज, दुनिया नहीं मानती है। आप दुनिया के लिए संसार के लिए जी तोड़ मेहनत करो प्यारे, दिन रात जागो संसार को ये सिर्फ इतना बताने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए कितना तप करता हूं या करती हूं, सिर्फ ये बताने के लिए दुनिया को समझाओ कि मैं तुम्हारे लिए कितना तप करता हूं। हो सकता है फिर भी कभी ऐसा हो ना किसी के कानों को सुनने को ना मिले, लेकिन फिर भी हो सकता है जिसके लिए तप करते हो शायद वो कह दे कि तुमने हमारे लिए किया ही। संसार को मनाने के लिए, दुनिया को मनाने के लिए और दुनिया को अपना बनाए रखने के लिए जो तप किए जाते हैं वो निष्फल हो सकते हैं। ये दुनिया है प्यारे, संसार है, और संसार तो पानी की तरह है, ये जहां जाता है वैसा ही हो जाता है। संसार वो है प्यारे जब तक आपकी संगत में है तो आपके जैसा है, जब आपसे दूर हटेगा वो दूसरों के जैसा हो जाएगा। एक माँ अपने बच्चों को संस्कार देने में जीवन गुजार देती है और वही बच्चा अपने दोस्तों की 2 मिनट की संगत में वो सारे संस्कार भूल जाता है। ये संसार है। इस धरती की माताओं ने, हमारी माताओं ने, हमें जन्म देने वाली माओ ने हमारे लिए क्या नहीं किया, कौन सा तप नहीं करती है? भूखे वो रहती है, व्रत वो करती है प्यारे। कोई संत महात्मा आ जाए महाराज, उनके चरणों में हाथ लगा के मत्था टेक के उनसे प्रार्थना करती है महाराज थे बालकों पर कृपा करिएगा, क्या नहीं मानती? लेकिन उनके दिए हुए संस्कार और उनके दिए हुए किए हुए तप का परिणाम निष्फल भी हो सकता है कहने का अभिप्राय है। पर यदि यही भजन, यही तप और ये आराधना यदि कोई भगवान के लिए करता है तो भगवान के लिए किया हुआ तप कभी निष्फल नहीं होता है प्यारे,
वो सदा सफल होता है और वो हमारे जीवन का कल्याण करता ही करता है। श्री राम जय राम। तुम्हारा दशरथ और देवी कौशल्या ने जो तप किया भगवान उनके घर आ गए। मैं फिर कह दूं कि तप बल सृष्टि रचय विधाता और तप बल शत्रु कर ही यही नाशा। इस संसार का नाश तप के बल से ही होता है जो देवता लोग करते हैं। पर फिर इस दुनिया में तप की बड़ी महिमा है। ये जो हम और आप कर रहे हैं इसका नाम सत्संग भी है, लेकिन सच पूछो तो कलयुग में हम सब लोग मिल बैठ कर तप कर रहे हैं। ये एक तपस्वियों की क्रिया है कि स्वयं पर कंट्रोल करके सुख आराम से दूर हटकर भगवान के भजन में स्वयं को लगाना प्यारे। और आज के युग में जहां दुनिया भौतिकवादी हो गई है, जहां दुनिया मेटेरियलिज्म के नजदीक है, जहां संसार को संसार ही भाता है, जहां संसार को परमेश्वर भाता नहीं है, आज का जो समय है, आज की दुनिया कुछ ऐसी होती जा रही है। श्री राम जय राम। और आज के समय में जो हम आप लोग बैठे हैं भगवान का भजन कर रहे हैं, जो सत्संग हो रहा है, जो कथा हो रही है, तो इसमें सत्संग तो है ही है लेकिन साथ में एक तप भी है जो हम और आप लोग मिलकर कर रहे हैं। श्री राम जय राम। तुम्हारा दशरथ और कौशल्या ने तप किया। कौशल्या की गोद में प्रभु आ गए। अब भगवान को जल्दी थी क्योंकि भगवान का ये रूप पहला था जो 16 कला संपूर्ण था। सदयुग में अनेक रूप आए, कभी भगवान कपिल बनकर आए, कभी वराह बनकर आए, कभी मत्स्य अवतार बनकर आए, कभी कच्छपा अवतार लेकर आते हैं, कभी वामन बनकर आते हैं, कभी अनेक रूपों को धारण करके, कभी गोवर्धन बनकर आते हैं, अनेक रूपों को धारण करके। तो जब अनेक रूपों को आए तो ये पहला त्रेता युग में पहला भगवान का ऐसा अवतार था जो पूर्ण कला था। तो भगवान को भी जल्दी कि पूरी लीला करनी है, पूरी नर लीला करनी है। तो भगवान आए, और जब भगवान आए प्यारे तो शंख चक्र गदा पदों के साथ ही प्रकट हो गए, चतुर्भुज होकर प्रकट हो गए। तो माता ने कहा प्रभु ये जो रूप है महाराज ये पुत्र का रूप नहीं है, और मैंने नारायण को नहीं मांगा था महाराज, मैंने तो पुत्र मांगा था, मैंने तो आपसे आप जैसा पुत्र मांगा था। भगवान ने कहा भैया मैं छोटा ही हूं, रूप तो छोटा था, बालक बालक जैसा था, लेकिन भुजाएं चार, सिर पे मुकुट, कहा महाराज बच्चों की तरह बनो। भगवान ने कहा क्या करूं, अभ्यास नहीं है, क्या करूं। मैया ने कहा महाराज पहले तो हाथ धो करो। माता अपनी बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा, महाराज इस रूप का त्याग कीजिए। ठीक है मैया, दो हाथ हटा दिए, दो रह गए, अब ठीक है। मैया ने कहा हमारा चीज तो है लेकिन ये मुकुट सही नहीं है, अभी मुकुट की जरूरत है, अभी आप बालक हैं। भगवान ने कहा ठीक है, मुकुट हटा दिया, अब ठीक है। तो मैया ने देखा महाराज एक हाथ में शंख है, इसकी भी जरूरत नहीं है, वो भी हटा दिया, ठीक है। अब कहा महाराज ये जो वेश है, वेशभूषा है आप पर, जो आपने वस्त्र पहने हुए हैं राजाओं वाले, तो महाराज ये भी ठीक नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा ये भी चेंज करने पड़ेंगे। भैया ने कहा चेंज नहीं उतारने पड़ेंगे। भगवान ने कहा सत्य वचन मैया, कपड़े उतार दिए। कहा मैया अब ठीक है, छोटा सा बाल रूप धारण किया प्रभु ने। मैया कहती महाराज अभी भी नहीं सही है। भगवान ने कहा अब क्या होगा। मैया ने कहा महाराज कीजिए शिशु लीला, बालकों की लीला कीजिए। और जब ये कहा तो भगवान ने कहा ये शिशु लीला क्या होती है, बालकों की लीला क्या होती है। तो कहा प्रभु आप तो दुनिया बनाने वाले हैं, क्या आपको नहीं पता है महाराज कि माँ को जो सबसे अति प्रिय होता है वो जब बालक जन्म लेता है उसकी रुदन जो है, उसका रोना जो है, वो माँ को स्वर्ग का साम्राज्य देता है। उसके रोने से माँ को चैन मिलता है, जान मिल जाती है, माँ को प्राण मिल जाते हैं पुनः। तो कीजिए शिशु लीला अति प्रिय सीला, और यह सुख परम अनुपम। महाराज ये जो सुख है ये परम अनुपम होता है एक माँ के लिए। और फिर क्या था, भगवान ने जैसे ही मैया की बात सुनी तो सुनी रोदन ठाना और सुनी वचन सुजाना, रोदन लागो भगवान रोने लगे प्यारे।
और जैसे प्रभु रोने लगे हैं और मैया ने सुना रुदन, महाराज दशरथ सुनते हैं चारों ओर भगवान के रोने पर कि बालक भयो है, लाला भयो है और प्यारे को धान्या होने लगे। और भगवान रोते हैं, मैया गले से लगाती है, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना और होई बालक सुर रूपा। बाबा तुलसी कहते ये चरित्र जगा। तो भगवान ने ये लीला की, तो उस लीला को किया भगवान ने, भगवान माता कौशल्या की गोद में आए हैं और प्रभु भगवान मैया की गोद में है और माँ जो है भगवान से प्रेम करती है। और लीलाएं महाराज दशरथ के घर में अब चार चार पुत्रों ने जन्म लिया। इधर मैया कौशल्या की गोद में एक बालक है, कैकेयी की गोद में बालक है, सुमित्रा की गोद में दो दो बालक हैं। महाराज दशरथ तो धन्य हो रहे हैं। अब धन्य होते महाराज दशरथ, चारों ओर विप्र ब्राह्मण आने लगे, संत महात्मा आने लगे। महाराज दशरथ गौ दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, धन दान करते हैं, जिसको जो चाहिए महाराज दशरथ उसको वही दान करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। और भगवान पैदा हुए उनके घर में, कुछ कारण है। एक तो कारण उनका तप है, दूसरा कारण है कि महाराज दशरथ के घर में रहने वाली जो रानियां हैं, रानियों में आपस में बड़ा प्रेम है। इसको सीधे सीधे शब्दों में समझो कि जहां पर बहुओं में आपस में प्रेम होता है प्यारे, वहां भगवान बुलाने नहीं पड़ते हैं, भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं प्यारे। जहां परिवार की नारियों में आपस में प्रेम होता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। और दूसरा महाराज दशरथ जो है प्यारे, क्योंकि दशरथ शब्द का मतलब है जिसने अपने कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों को काबू में किया। दश रथ है, जो ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के रथ को जिसने पकड़ के रखा हो, जिसकी लगाम हाथ में रखी हो प्यारे, उसके अनुसार कि वो जिसे देखना चाहता है वही देखता है, जो सुनना चाहता है वही सुनाई देता है, जो बोलना चाहिए सिर्फ वही बोलते हैं, जो कर्म करने से कीर्ति उज्ज्वल हो महाराज दशरथ वही कर्म करते हैं। और महाराज जहां बैठने से कल्याण हो महाराज दशरथ उसी संगत में बैठते हैं। ये स्वयं पर काबू है प्यारे। अब देखने को तो भगवान ने हमें आंखें दी है, कुछ भी देखा जा सकता है। बोलने को भगवान ने वाणी दी है, कुछ भी बोला जा सकता है। सुनने को श्रवण क्रिया दी है प्यारे, कुछ भी सुना जा सकता है। लेकिन जिसने स्वयं को आनंद से जीने की आदत डालनी है वो इन पर कंट्रोल करता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। इंसान का मतलब सिर्फ इतना ही है जो अपने आप पर स्वयं पर नियंत्रण करना सीख गया प्यारे, वो इंसान इंसान बन जाता है। कि राम मर्यादित है और इनके पिता महाराज दशरथ इतने मर्यादित हैं प्यारे कि कभी भी जीवन में किसी तरह का भी कोई दुष्कर्म, किसी तरह का भी कोई बुरा वचन, किसी तरह का भी कोई बुरा दृश्य, बुरा श्रवण, बुरी संगत, किसी से वैर, किसी से ईर्ष्या महाराज दशरथ की है ही। श्री राम जय राम, जय जय राम। और एक और बड़ी बात है, महाराज दशरथ कभी भी किसी का नकारात्मक चिंतन नहीं करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। ये वो राजा हैं प्यारे जिन पर वो दो पंक्तियां फिट बैठती हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले आकोए, और जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा। हमारे एक संत थे हरिद्वार के, स्वामी गीतानंद भिक्षु, उन्होंने एक भजन लिखा था बड़ा प्यारा कि मान मेरा कहना। गुरुमुख प्यारियो, आप सब जी नु बेनती है कि आप कृपा करके वाहगुरु जोत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सेव करें एंड कमेंट भी करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होएगी। आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।